आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, मैं बताता हूँ क्यों। कुछ 24-25 साल पहले मेरा नाम आदित्य होते हुए भी लोग मुझे पोटला पोटला कहकर बुलाते थे, और ये सब हुआ एक फिल्म की बदौलत, और वो थी इस पोटले की दूसरी फिल्म परदेश। आज उस फिल्म के 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा परदेश फिल्म की लीड एक्ट्रेस, मेरी बड़ी बहन गंगा, द वन एंड ओनली महिमा चौधरी। बुलाना चाहते हैं उन्हें जिनके बिना परदेश मूवी बनी नहीं पाती, द शोमैन हिमसेल्फ मिस्टर सुभाष घाई। लेकिन हम उन्हें ऐसे नहीं, पोटला चैनल के सबसे हिस्टोरिक गाने के साथ बुलाएंगे, तो हो जाए। सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला फाइन फ्लैट लूप पाइप पेट्रोला पेट्रोला ड्रम ड्रोन ट्यूबलेट सिंबोला सिंबोला हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 कृष्णा। पच्चीस सालों तक लोगों का प्यार पाना बहुत मुश्किल होता है, तो सर महिमा जी हाउ डज इट फील? परदेश विल ऑलवेज बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो मुझे ये जो ब्यूटीफुल गाना आपने कंपोज किया ना, आई लव माय इंडिया, मैंने नहीं किया, छब्बीस ने किया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। हर 26 जनवरी को और 15th ऑफ अगस्त को ये बजता है और लोगों को मेरी याद आती है, सो फॉर 25 इयर्स ये रिमाइंडर रहा है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे आई लव माय इंडिया वाली आंटी, यू नो, सो आई एम ट्रूली इंडेबटेड टू यू फॉर हैविंग कास्ट मी, आई एम सो इमोशनल इवन सेइंग दिस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। 25 साल कैसे गुजर गए हमें भी मालूम नहीं, मुझे लगता कि कल मैं फिल्म लिख रहा था, फिर शाहरुख आए, फिर न्यू कमर का कास्टिंग हुई, 110 ऑडिशन मैंने लिए होंगे अलग अलग, और उसके बाद जो चुना गया वो आपके सामने है। एंड शी प्रूव शी गॉट फिल्म फेयर अवार्ड एज अ बेस्ट एक्टर। वाओ। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, they are wonderful singers and god bless them, I love you all, ek baar zordaar taaliyan ho jaye, the showman subhash ghai and mahima chaudhry। रहा है जादू
कर रहा है असर चुप के ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के हाँ चुप के छुप के तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया। तुमने किसी को दिल दिया? दिया। मैंने भी दिया। नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओ शांति ओ शांति शांति ओ रातें खराब देखो आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो तो गाओ ओ मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है क्योंकि मुझे तुम वहां पर ले गए महबूब स्टूडियो में जहां किशोर दा ने ये गाना गाया था तो उन्होंने जब गाना सुना लक्ष्मीकांत जी से तो उन्होंने कहा था लक्ष्मी ये बड़ा दमदार गाना है बहुत दम लगाना पड़ेगा वाह और आज मैं देख रहा हूं कि आप उसी एनर्जी के साथ गा रहे हैं थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच As an audience, जब कोई गाता है और आप साथ में गाते हो और झूमते हो, that is a true performer. And I loved it. आपसे ज़्यादा जोर से तो मैं गा रही थी, but mic आपके पास था. Thank you so much, man. दो दिल. मैं जब भी सुनती हूँ, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस गाने के साथ. इश्क क्या होता है? Romance की जो पहचान इन गानों से ही शुरू हुई थी. वो feelings जो होती हैं. और वो इतना खूबसूरत गाया है दादा ने. Yes. Thank you. You have to sing a little bit of this song. One minute. इससे पहले कि दादा गाएं, इसके पीछे एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ. Please, क्या बात है? सानू जी जब आए,
तो शानू जी बड़े नर्वस भी थे, एक्साइटेड भी थे, पहली बार हम काम कर रहे थे साथ में. तो नदीम जी ने इनको जो गाना सुनाया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. yeah, प्लीज. जिससे इनके आस्ते आस्ते पसीने छूटते चले गए. दो दिल मिल रहे हैं जी. ना. ये बेचारे कुछ कह भी ना सके, सुभाष गई बैठा हुआ है, नदीम चरावन बैठा है. बोलेंगे दो दिल मिल रहे. सर एक एक बात है कि नदीम जी खुद इतना डरा हुआ था क्योंकि उसका पहला फिल्म था आपके साथ. जी जी. मेरे को आके समझाने लगे वो कि टाइगर देख सुभाष जी का गाना मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो ठीक से गाना, हमारा इज्जत की बात है. तो हमने बोला तो आप चिंता मत करिए, हम कोशिश है. मेरा भी तो अंदर से पता नहीं क्या क्या हो रहा था. लेकिन मैं बोला जो भी होगा देखेंगे, लड़के लेंगे हिंदुस्तान. क्या बात करके एक क्या बात. और उसके बाद मेरे को तो ये डर था कि आप शायद मेरे को दो तीन बार और गवाएंगे. मेरे को याद है गाना आपने फटक से हाँ किया और आपने मेरे को सीने से ऐसा करके लगाया. जी जी, I remember. और माथा चूमा मेरा. जी. चूम के आपने बोला मुझे जो चाहिए था तूने दे दिया सारा. ये बात बिल्कुल सही है. Absolutely right. सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे. अपना दिल मैं जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, असर चुपके चुपके. हाँ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके. हाँ हाँ चुपके चुपके. चुपके चुपके. क्या बात है. थैंक यू सर कि आपने ये गाना मुझे दिया. थैंक यू सर. मुझे भी. और थैंक यू सर कि आपने ये गाना हम सबको दिया. सर क्या बात. थैंक यू सुभाष सर. दीपन यहाँ पे सबसे बड़ा आशिक है और आपने बॉलीवुड के सबसे बड़े रोमांटिक एक्टर शाहरुख खान को डायरेक्ट किया है, तो क्यों ना आज आप दीपन को रोमांस सिखाएं और महिमा जी दीपन की महबूबा बने और हम परदेश वाला वही आइकॉनिक सीन रिक्रिएट करें. सर प्लीज ये गाना आप गाएंगे, मतलब जरा तस्वीर से तू डुएट गाना है ना. जी दादा. तो श्रेया को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ में. बिल्कुल. दिस वुड बी माय फर्स्ट प्लेबैक फॉर महिमा जी. यस आई लव दैट. यस. अच्छा सुनो मैं गा रहा हूँ, अगर एक्सप्रेशन में कोई गड़बड़ हुआ ना. ए दीपन जीते रहो जीते रहो. वो क्या बोल रहे हैं अगर एक्सप्रेशन. अरे जिसके साथ रोमांस करेगा उसका पैर छू रहा है तू अभी. कैसा रोमांस होगा यार. ऐसा है गाना रोमांटिक है पर तुम्हें रोमांटिक नहीं बनना है. ये टेस्ट शाहरुख का भी था क्योंकि उस लड़की को महबूबा बोल ही नहीं सकता जिस लड़की की शादी अपने कजन से करवाने आए. मुश्किल में डाल दिया ना. आ जाओ सर. साउंड कैमरा एक्शन.
किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। वाह, क्या बात है। तुमने बहुत अच्छा किया, वाकई ऐसा लग रहा था कि आई एम रीशूटिंग इट, यू नो, और आपके साथ दोनों के साथ तो मतलब आई नो लाइव वंडरफुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.